कल के मैच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दोनों टीम को हुआ जब बात आई इंपैक्ट प्लेयर की। सेकंड इनिंग में जब बात आई इंपैक्ट प्लेयर की, तो वहां पे राजस्थान रॉयल्स ने अपने इंपैक्ट प्लेयर जब जैसे ही चेंज किए, दिल्ली कैपिटल ने उसको अपोज किया, कहा कि आप एक इंपैक्ट प्लेयर को फॉरेन इंपैक्ट प्लेयर को फॉरेन इंपैक्ट प्लेयर से आप नहीं बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिक अपनाई थी राजस्थान रॉयल्स ने, कमाल की ट्रिक थी। वो क्या थी, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और क्या होता है इंपैक्ट प्लेयर, कैसे इसको लिया जाता है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंपैक्ट प्लेयर आपका इंट्रोड्यूस हुआ 2023 में, और पहली बार इंपैक्ट प्लेयर यूज किया गया CSK वर्सेस गुजरात टाइटन्स में, जिसमें तुषार देश पांडे को लिया गया था एज ए इंपैक्ट प्लेयर अंबती राइडू के अगेंस्ट में, और गुजरात टाइटन्स ने लिया था साई सुदर्शन को इन विलियमसन के अगेंस्ट में। तो होता क्या है, आप एक इंपैक्ट प्लेयर कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले, टॉस से पहले आपको पांच प्लेयर आपको देने पड़ते हैं अंपायर को। वो पांच प्लेयर आप कभी भी चेंज कर सकते हो, 11 में वो आ जाएंगे, लेकिन एक बार अगर वो आ गए इस टीम में, फिर से वो चेंज नहीं हो सकते हैं। तो ये है इंपैक्ट प्लेयर की खासियत। लेकिन एक और खासियत है, आप चार फॉरनर प्लेयर्स अगर आपके टीम में खेल रहे हैं, तो अगर आपने एक फॉरनर प्लेयर को इंपैक्ट किया, चेंज किया, लेकिन वो फॉरनर प्लेयर से चेंज नहीं हो सकता, वो इंडियन प्लेयर से ही चेंज होगा। तो ये है इसकी सबसे बड़ी खामी, या उसको बोल सकते हैं सबसे बड़ा ट्रिक। और यही ट्रिक कल राजस्थान रॉयल्स ने अपनाया जब उन्होंने सिर्फ तीन फॉरेन प्लेयर्स को खिलाए। जी हाँ, कल राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट में सिर्फ तीन फॉरेनर प्लेयर को खिलाए, ट्रेंट बोल्ट, जॉस बटलर और हेटमायर को। और जब बारी आई उनके इंपैक्ट प्लेयर की, तो उन्होंने क्या किया, शेरमन हटमायर को चेंज करके इंपैक्ट प्लेयर लेके आया नांद्रे को। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हुई, दिल्ली कैपिटल्स ने मैच को रोका, अपोज किया, तब फिर जाके अंपायर ने उनको समझाया कि ये इन द रूल है कि अगर आपने तीन फॉरेन प्लेयर्स खेला है, तब आप अगर चेंज करना चाहें तो वहां पे आप फॉरेन प्लेयर्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो दिमाग है जो कल राजस्थान रॉयल्स ने लगाया है, हो सकता है इसके बाद बहुत सारे टीम ऐसी दिमाग लगाए, और मुझे लगता है ये दिमाग देने वाला भी रविचंद्र अश्विनी होगा, बिकॉज उनको क्रिकेट के रूल्स के बारे में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो कैसी लगी आपको ये इंपैक्ट की स्टोरी और इसके रूल्स, कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स डायनामिक।